Eating banana? क्यों रो रहा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अरम फातिमा हाय तो कर दो व्यूअर्स। सुबह का टाइम है और मैं अब नाश्ता बना रही थी, तो अब नाश्ता बनाऊंगी। ये पानी की बोतलें खाली हुई पड़ी हैं, अभी आएगा पानी वाला तो पानी दे जाएगा और ये ले जाएगा। कारी साहब आ गए आपके, तो जल्दी करो फिर, सकाफ पहनो और जाओ पढ़ने। इनके कारी साहब आ गए हैं, ये देखेंगे, अभी उठे हैं बच्चे इनके, अभी ऐसे ही बिस्तर पड़े हैं, इनको अभी सही करूँगी। कारी साहब इनके आए बैठे हैं तो ये पढ़ने जा रहे हैं, बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ऐसे पहनते हैं। व्यूअर्स को बता दो मैं कारी साहब के पास जा रही हूँ पढ़ने। शाम का टाइम है, सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, अब ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं। दिन वही है, ये वही वीडियो है सुबह की। तो ये देखें, अब ये हमारे हॉल कमरे में इनके बाबा टीवी सेट कर रहे हैं, तो ये बच्चे बैठ के देख रहे हैं। और ये ड्रिल मशीन से अब हॉल करेंगे दीवार में, तो फिर वो स्टैंड लगेगा और फिर टीवी लगेगा। तो ड्रिल मशीन चलाती हैं तो हरम फातिमा डर जाती है, बहुत ज़्यादा शौक हो गई है बिल्कुल देख के ये क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स मैं सालन बना रही हूँ आज, वाइट चिकन बना रही हूँ। चिकन तो वैसे ही बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना वाइट चिकन बना लूँ, सब कुछ पड़ा हुआ था तो वाइट चिकन बना रही हूँ। आप भी देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। चाहिए आपको? ये देखिए हरम फातिमा आई खड़ी है, वो भी साथ खड़ी हुई है, पोइम सुना रही है आपको, कुछ सुनाना चाह रही है तो फिर चली जाती है फिर आ जाती है। इसको बोल तो रही हूँ सुनाओ, लेकिन अब बोलो। जब इसका मूड होता है तो फिर तो सुनाती है पोइम्स।
मुझे बोल रही है मम्मा मुझे दूध बना दें, मुझे दूध चाहिए। तो मैं इसके लिए फीडर बना रही थी, तो मैंने सोचा इसको पहले फीडर बना के दे दूँ, फिर सालन बनाना शुरू करूँ। तो इसीलिए यहाँ मेरे पास ठहरी हुई है यहाँ पे, क्योंकि उसका दूध बन रहा है। आज मैंने इसकी एक पोनी लगाई तो माशाल्लाह से एक पोनी में सारे बाल आ गए। मैं आया हूं। भैया ने मारे? किसको मारे? आप ही को? बस व्यूअर्स, इसको बाल तंग तो बहुत करते हैं, लेकिन ये है जो अच्छे लगते हैं बच्चियों को ऐसे बाल। व्यूअर्स, अब मैं शुरू कर रही हूँ सालन बनाना। पहले मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची डाली है ऑयल में। ये थोड़े से गर्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो फिर इसमें चिकन डालूंगी। अब इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन को अब थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चिकन फ्राई हो रहा है, तो इसमें मैं नमक डालूँगी, लहसुन डालूँगी सारा। बस आप सब कैसे बनाते हैं हमारा चिकन? हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, अपनी अपनी रेसिपी होती है, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। और मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ पिसा हुआ, और ये मैंने काली मिर्चें पीस के रखी हुई प्लेट में, ये भी डालूँगी इसमें, क्योंकि लाल मिर्च तो नहीं डलती बातचीत करना, और तो कोई मसाला भी नहीं ज़्यादा डलता। काली मिर्च और लहसुन, नमक, ये डलते हैं ज़्यादा, और हरी मिर्च पिसी हुई वो भी मैं डाल देती हूँ एक चम्मच। व्यूअर्स, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और फातिमा दूसरे रूम, हरम फातिमा दूसरे रूम में बैठी है, अपने बाबा के साथ बातें कर रही है। वो बातों में बैठी है, पोइम सुना रही है, और वो अपना मोबाइल देख रहे हैं और उनके साथ बैठ के बातें कर रही हैं। मैंने नमक डाल दिया अब इसमें, और बस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो देखें। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। मैं इसमें पीछे काली मिर्च डालूँगी, इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी चिकन को, इसमें स्मेल ना रहे बिल्कुल भी,
रिवर्स इस चम्मच से ना मैं खाना मेरे से सही बनता है ये जो मैं आप जिससे बना रही हूँ, और किसी चम्मच से भी सही नहीं बना सकती मैं, इसलिए अब मैंने हरी मिर्च डाली है किसी एक चम्मच, दो हरी मिर्चें थी जिसको मैंने पीस लिया था तो मैंने इसमें डाल दिया। तोरी में पिसा था इसको बारीक बारीक, तो उसको मैंने ऐसे अब डाला है। अब ये चिकन और फ्राई हो रही है थोड़ा सा, इसके बाद हम फिर दही डालेंगे, फिर स्मेल नहीं ख़त्म हो गई, अब तकरीबन स्मेल ख़त्म हो गई है। तो अब मैं प्याज डाल रही हूँ, पिसा हुआ प्याज, ये एक बड़ा प्याज था और एक छोटा। व्यूअर्स अगर ये डालें तो फिर ग्रेवी अच्छी बनती है सालन की, तो इसलिए फिर मैंने इसको पीस के डाला है। और प्याज का पानी अच्छी तरह खुश्क होने तक जो है चम्मच हिलाते रहें, पकाते रहें अच्छी तरह से। तकरीबन पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें दही डाल दिया, एक प्याली दही, छोटी एक प्याली, और थोड़ी सी मलाई मैंने दूध, ताज़ा दूध जैसे रोज़ का आता है हमारा, तो उसके ऊपर से उतार के तो मैंने थोड़ी सी दो चम्मच, खाने के दो चम्मच होंगे, तो वो मैंने वो मलाई डाली है। अब ये अच्छी तरह से जो है पक जाएगी, अब इसको कवर दे के ऐसे चूल्हे पे रखने दूंगी जब तक ये खुश्क ना हो जाए, ऐसे पकता रहेगा चिकन, चिकन भी गल जाएगा और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब ऊपर गार्निश के लिए मैंने ये काट लिए थे लीमू काट लिए थे, और ये अदरक काटी थी, और ये हरी मिर्च। ये तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है अब चिकन का, अच्छी तरह से इसको खुश्क करना है। ये हो गया है खुश्क बिल्कुल अच्छी तरह से, और सॉरी आपको मैं वो नहीं दिखा सकी, मैंने इसमें दो चम्मच क्रीम भी डाली है जब पानी खुश्क हो गया था, तो अच्छी तरह से उसको एक मिनट के लिए उसको चम्मच हिलाया पकाया, तो फिर बाद में मैंने चूल्हा बंद कर दिया। वाइट चिकन अब रेडी हो गया है, बन गया है, अब हम खाना खाएंगे। मैं अब रोटियां बनाऊंगी, हम दस्तरखान लगाएंगे, फिर साथ बैठ के खाना खाएंगे। फिर बस आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। चलिए, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।